अब देखो यार, अगर तुम लोग मैट हार्डी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज मैट हार्डी के टीएनए को ज्वाइन करने के बाद हार्डी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न भी टीज कर दिया है। कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक और रोमन रेंस के राइवलरी को लेकर रिकीसी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गई। तो गाइज वहीं ड्रू मैकइंटायर के द्वारा सीएम पंक को लेकर एक और बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मैट हार्डी की। वेल गाइस पर बात करें अगर यहां पर मैट हार्डी की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट हार्डी के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर ऑलरेडी टीएनए रेसलिंग को ज्वाइन कर चुके गए। और दो दिन पहले टीएनए के रेबेलियन पेपरव्यू के ऊपर मैट हार्डी के शॉकिंग रिटर्न करने के बाद अब यहां पर मैट हार्डी ने ये भी टीज कर दिया है कि वो यहां पर अभी WWE के अंदर अंकल हाउडी के फैक्शन को ज्वाइन कर सकते गए। क्योंकि गाइज हार्डी का ये कहना है कि वो यहां पर टीएनए के ऊपर रिटर्न तो हुए हैं, बट उन्होंने टीएनए के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, और इसीलिए अगर यहां पर WWE चाहे तो मैट हार्डी यहां पर WWE पर आकर अंकल हाउडी के साथ ब्रोकन हार्डी कैरेक्टर को प्ले कर सकते गए। और गाइज यहां पर मैट हार्डी ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर टीएनए पर रिटर्न होने के बाद भी अब भी यहां पर WWE पर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। वेल गाइज अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE मैट हार्डी को कंपनी पर लाती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के WWE पर आने की, तो गाइस यहीं सीएम पंक के WWE को ज्वाइन करने के बाद एक बार फिर से ड्रू मैकइंटायर की तरफ से सीएम पंक को लेकर बात की गई है, जहां पर ड्रू मैकइंटायर का यह कहना है कि ड्रू मैकइंटायर यहां पर सीएम पंक के मुकाबले 1000 टाइम बेटर रेसलर है। और गाइस जहां हमेशा पंक इंजरी का बहाना बनाकर रेसल करना छोड़ देते गए, वहीं मैकइंटायर के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर WWE के रॉ स्मैकडाउन के साथ साथ वीकली बेसिस पर लाइव इवेंट के ऊपर रेसल कर रहे गए। और एक बार जब यहां पर पंक रिटर्न करेंगे तो ड्रू मैकइंटायर ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहां पर सीएम पंक को दोबारा इंजर्ड करे, ताकि पंक यहां पर 6 महीने और आराम कर सके। और कुछ इस तरीके से मैकइंटायर के द्वारा सीएम पंक के यहां पर इंजरीज को लेकर बुरी तरह से रोस्ट कर दिया गया है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक में से कौन ज्यादा बेटर रेसलर है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार नतालिया के टीएनए पर डेब्यू करने की। वेल गाइज इस साल WWE के रॉयल रंबल के ऊपर टीएनए रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस के अपीयर होने के बाद नतालिया ने उनके एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि वो यहां पर WWE के टीएनए में जाकर टीएनए रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन को फेस करना चाहती गए। और गाइज यही नतालिया के इस स्टेटमेंट के बाद अब इस हफ्ते जॉर्डन ग्रेस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉर्डन ग्रेस ने नतालिया के टीएनए पर आने को लेकर बात की गई, जहां पर जॉर्डन ग्रेस का ये कहना कि वो यहां पर डेफिनेटली टीएनए के अंदर उनके ड्रीम मैच में नतालिया को फेस करना चाहेंगी। और वो यहां पर इस साल स्लैमवर्सरी पेपरव्यू के ऊपर नतालिया के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करना चाहती गए। और वो यहां पर ये चाहती गए कि नतालिया टीएनए के अंदर आकर टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस को फेस करे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE उनके एक्टिव रेसलर को टीएनए के अंदर भेजती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के रेसलमेनिया के यूके में होने की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर रेसलमेनिया की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को याद होगा लास्ट ईयर WWE का मनी इन द बैंक पेपरव्यू जब यूके में हुआ था, तो जॉन सीना ने मनी इन द बैंक के ऊपर यूके में रेसलमेनिया होने को लेकर बात की थी। और अब जॉन सीना के बाद जब इस हफ्ते WWE ने लंदन में O2 अरीना के अंदर लाइव इवेंट के ऊपर 16,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए, तो गाइस कोडी रोड्स ने भी एक बार फिर से रेसलमेनिया के यूके में होने को लेकर बात की गई। और गाइस कोडी रोड्स का यह कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली यूके के अंदर रेसलमेनिया को देखना चाहते गए, क्योंकि गाइस कोडी ये बिलीव करते गए कि आज के टाइम पर यूके के फैंस यहां पर रेसलिंग को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और वो यहां पर 100% यूके के अंदर WWE का रेसलमेनिया देखना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE रेसलमेनिया को यूके में करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही कोडी रोड्स की, तो यहीं रेसलमेनिया पर कोडी के रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बनने के बाद अब कोडी रोड्स और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन के ओरिजिनल प्लान को लेकर WON की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर WON ने ये कंफर्म कर दिया है कि लास्ट ईयर ही रेसलमेनिया 39 के ऊपर ओरिजिनली यहां पर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराकर लास्ट ईयर ही रेसलमेनिया पर चैंपियन बनने वाले थे। और WWE के लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से लास्ट ईयर कोडी यहां पर रोमन को बीट करने वाले थे। बट गाइस रेसलमेनिया के
कुछ हफ्तों पहले विंस मैकमैन ने लास्ट मोमेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर कोडी को मैच हरवाने का फैसला किया। और गाइस यहां पर ओरिजिनली विंस मैकमैन वो मेन आदमी थे जिसने यहां पर लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच के एंडिंग को चेंज किया। और गाइस लास्ट ईयर विंस मैकमैन के एंडिंग को चेंज करने के बाद जब इस हफ्ते यहां पर फाइनली विंस मैकमैन कंपनी से बाहर जा चुके गए तो इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कोडी रोड्स को चैंपियन बना दिया है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर लास्ट ईयर विंस मैकमैन ने चेंजेस नहीं किए होते तो कोडी ने उनकी स्टोरी को लास्ट ईयर ही फिनिश कर दिया होता। बोला आपको क्या लगता है कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 39 और रेसलमेनिया 40 में से किस पर चैंपियन बनना सही डिसीजन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लड लाइन के फ्यूचर की। बोल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है सोलो सकुआ की जिमी उसो पर टर्न करने के बाद और तमा तुंगा के सोलो सकुआ को ज्वाइन करने के बाद बहुत ही जल्द ब्लड लाइन में सिविल वॉर होने वाला है। और ऑलरेडी यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि रोमन रेंस जब भी डब्ल्यूबी के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे वो यहां पर उसोज को ज्वाइन करने वाले गए। और पॉसिबली हमें यहां पर रोमन रेंस उसोज वर्सेज न्यू ब्लड लाइन के बीच में सबावा सीरीज पर वॉर गेम देखने को मिले। वाला अब यहां पर ब्लड लाइन के सिविल वॉर को लेकर फाइनली उसोज के फादर रिकीसी ने बात की गए जहां पर रिकीसी का ये कहना है कि वो यहां पर ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूबी के अंदर ब्लड लाइन के अंदर जो भी ड्रामा चल रहा है इस पूरे ड्रामे की एंडिंग डब्ल्यूबी में रॉक वर्सेज रोमन रेंस से होने वाला है। और गाइस रिकीसी ये बिलीव करते गए कि रोमन रेंस जब भी डब्ल्यूबी के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे वो यहां पर डेफिनेटली बेबी फेस बनकर आने वाले गए। और डेफिनेटली यहां पर रोमन रेंस के बेबी फेस बनने के बाद रॉक यहां पर रोमन रेंस के ऊपर हील टर्न करेंगे और इसके बाद डब्ल्यूबी के अंदर हमें यहां पर फाइनली रॉक वर्सेज रोमन रेंस के बीच में वन ऑन वन मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूबी एग्जैक्टली रॉक और रोमन रेंस का मैच कब और कहां करती गए और रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर कोडी वर्सेज रॉक होता है या रोमन वर्सेज रॉक होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।